दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक, और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखना है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है हाईटेक कंपनी की स्टेबलाइजर 1 KVA की। इनपुट रेंज है 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक, और इसमें आप देख रहे हैं इसकी आवाज, ये चैटरिंग की प्रॉब्लम दे रही है, यानी कि इसमें जो रिले है वो चैटरिंग कर रही है। तो दोस्तों ये चैटरिंग की जो प्रॉब्लम होती है, ये आपका रिले का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इसकी जो पावर सप्लाई में जो डायोड होती है एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करती है, वो डायोड भी अगर मान लीजिए शॉर्ट हो जाएगी तो एसी इसमें इनपुट होगी कैपेसिटर में, तभी भी चैटरिंग की प्रॉब्लम निकल सकती है। तो दोस्तों हम लोग इसमें जो है रिले है, ये रिले क्या होता है, रिले नॉर्मली जो होता है आपका नॉर्मली ओपन में ये कनेक्ट हो जाता है और ये वर्क करता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर, डायोड, ठीक है, और रिले को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में ये। तो दोस्तों वीडियो का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है, तो इसमें हम लोग सर्किट चेक करेंगे, इसके डायोड चेक कर लेते हैं। तो डायोड यहाँ पे चेक करते हैं, डायोड कैसी है। एक जो है यहाँ पे सप्लाई देख सकते हैं, एक डायोड यहाँ पे है, ये डायोड यहाँ पे गया हुआ है, एक डायोड यहाँ से यहाँ गया हुआ है। तो हम लोग डायोड को चेक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे डायोड ऐसा ही दिखा रहा है, और यहाँ भी डायोड चेक कर लेते हैं, ये भी डायोड सही दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी डायोड सही दिखा रहा है। अब उसमें हम लोग चेक क्या क्या करना है, कंडेंसर एक बार चेक कर लेते हैं, रिचार्ज अभी डिस्चार्ज आता है, कंडेंसर लगभग सही है। अब हम लोग को जो यहाँ पे जो है रिले को चेक करना है, रिले को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिले को एक एक करके हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद में जो है एलिमिनेटर के थ्रू हम लोग सप्लाई देंगे, उसका हम चेक करेंगे ये कनेक्ट हो रही है कि नहीं, इसकी जो एनसी से ये कनेक्ट हो रही है कि नहीं, और एनओ से कनेक्ट हो रही है कि नहीं, हम लोग इसको चेक कर लेंगे, लेकिन इसको निकालेंगे उसके बाद। तो इसके लिए थोड़ा एक बार हम लोग वीडियो को पॉज कर लेते हैं। इसमें मैंने तीनों रिले निकाल दी, और यहाँ पे रिले में देख सकते हैं जो रिले बर्न रहता है वहाँ पे जला हुआ कुछ दिखाई दे देता है, तो यहाँ पे जो है जला हुआ नहीं है, और यहाँ पे देख लेते हैं ये रिले अभी ले गए, देखिए यहाँ पे ये जला हुआ है रिले, तो ये रिले खराब हो सकती है, और यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे भी ये रिले जला हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे जो है गैप हो चुका है, तो ये दो रिले जो है कि जला हुआ है, तो दो रिले को हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद इसमें पता करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम है, और रिले चेक करने का तरीका आपको बता रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 24 वोल्ट की रिले है, हम लोग इसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसको बजर में लगा देते हैं, जो हम लोग पास में मल्टीमीटर है उसको हम लोग लगा देंगे बजर में, तो इससे जो समझ में आएगी इसकी कनेक्शन मिल रही है कि नहीं। तो इसकी जो है ये है कॉमन है, ये एनसी है, तो एनसी से ये नॉर्मली ये कनेक्टेड रहती है, यहाँ बीप आवाज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्शन है। जब इसको हम लोग सप्लाई दे देंगे रिले की पॉइंट पे, ये देखिए कट करके आवाज किया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिले आवाज कर रही है, और ये छोड़ दी, यानी कि ये रिले सही है, और इस रिले को भी चेक कर लेते हैं। ये आवाज कर रही है, यहाँ पे ये नहीं कर रहा आवाज, इसको हम लोग छुड़ा लेते हैं, ये आवाज कर रही है, ये रिले भी सही दिखा रहा है, इस रिले को चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये भी नॉर्मली जो है ओपन में ये कनेक्टेड है, अब इसको हम लोग छुड़ा देंगे यहाँ से, ये भी जो है कनेक्टिंग, तीनों रिले सही, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग चेंज करना पड़ेगा, ये पॉइंट जल चुकी है,
तो हम लोग तो चेक कर रहे हैं, ये नॉर्मली एम्पियर ले रहा है, तो ये आपका जो है सही बता रहा है। जैसे कि ज्यादा लोड होगा स्प्रेड में ये छोड़ देगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रिले सही है, इसको हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रिले जो है थोड़ा क्लीन दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रिले जो है आपका, ये भी रिले का जो है पॉइंट आप देख सकते हैं, ये भी हीट हुआ है, यहाँ पे काला हो गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो है अपना स्पेस छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। तो ये आपका दो रिले को हम लोग चेंज कर लेंगे, लेकिन ये चेक करने से सही दिखा रहा है, लेकिन रिले खराब होगी, क्योंकि ये कम एम्पियर में आपका जो कि सही दिखाई देगा। इसे फुल लोड देंगे तो स्पीड में ये काम नहीं करता, हम लोग ये रिले को चेंज कर देंगे दोनों को, और इसको हम लोग पहले वाला ही यूज कर लेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनपुट है, इनपुट 110 वोल्ट दे रहा है और आउटपुट आपका जो है 230 वोल्ट का आसपास मिल जा रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें दो रिले चेंज किए हम, और इसमें जो है कैपेसिटर भी मैंने चेंज कर दी, कैपेसिटर ओके था, लेकिन कैपेसिटर का रेंज सही नहीं बता रहा था, तो हम लोग कैपेसिटर को भी चेंज कर दिए। तो ये जो है स्टेबिलाईजर ओके हो गया है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था मेन आपका रिले का, रिले इसमें जो कि बर्न थे वो हम लोग चेंज कर दिए, और कैपेसिटर की जो रेंज थी उसकी जो माइक्रोफैराड होती है उसकी रेंज शिफ्ट हो चुकी थी, तो उसको भी हम लोग चेंज कर दिए। तो ये स्टेबिलाईजर ओके हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।